पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंटिंग स्किल्स होती है, तीन तरह के पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। एक वो होते ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स, ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स, वो ये होते हैं कि वो अपने बच्चे के ऊपर एक मिलिट्री की तरह होते हैं, हाँ, कि हर चीज राइट लेफ्ट, राइट इज राइट, लेफ्ट इज लेफ्ट, वो बच्चे को बोलने का मौका नहीं देते, वो हर चीज एक बोलते ना हुक्म के साथ चलाते हैं, ठीक है, आपको करना है करना है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। दे डोंट लेट द किड आस्क, हाँ वो पूछते नहीं, ऑप्शन देते बच्चों के, बेटा आप दिल चाह रहे ये खा लो, खा लो, अब आपने खाना है तो आपने यही खाना, वरना कुछ नहीं खाना। हम क्या डिस्कशन में टीनेजर बच्ची को भी शामिल कर लें, वी हैव अ टीनेजर हमारे पास इस वक्त, एक बच्ची है जिसकी उम्र 13 साल है और उनका नाम है सालेहा, 18 साल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाय माया, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हो? मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, so sweet, एक मैसेज देने, कभी कभी मामा की बात बड़ी लगती है, बट आई लव माई मॉम। ओह स्वीट, आपकी जो लॉन्ग प्लेस्ट है ना माया बाजी, जी जी, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, किसी तरह वो चैनल पे दोबारा सर। कौन से वाले, कौन से वाले? अमूद, मैं बहुत छोटी थी, आप यंग थी और आपने बहुत छोटी थी, आप खुद भी, और आपने लॉन्ग प्ले जानी, अगर पुरानी बात करिए तो फिर वो एक मोहब्बत 100 अफसाने के 3 लॉन्ग प्लेस किए थे, हाँ उनमें से ही, उनमें से ही होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मुझे बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू स्वीट जी, खुश रहिए आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह नसीब अच्छे करे, प्यारी बच्ची, माशाल्लाह। यू वोंट बिलीव दिस कि गर्ल्स 13 से लेकर 19 तक की टीनेजर्स टेक यू एज अ एग्जाम्पल, ओह माय गॉड, या नेचुरल द वे शी सेड आई लव यू, अब आप इतना उठोगे बैठोगे कपड़े पहनोगे, शी विल स्टार्ट कॉपिंग यू, ठीक है, तो एक माँ को भी अपने एग्जाम्पल चीजें निकालना, हाँ अच्छी चीजें कॉपी करना, बुरी चीजें ना करना कॉपी करना, हाँ। इसी तरह अगर आप उनकी जो मदर है वो भी अपने आप को आइडल बनाए, शी शुड स्टे ड्रेस अप, वो उठे बैठे उस तरह बात उस तरह करे, शाइस्तगी से नाम में अच्छा कैसी जाती है दोनों वर्ड के अंदर, यू नो व्हाई, एनीवे बट ये एक आई एम लर्निंग प्लीज, हाँ कोई बात नहीं यार, ओए बोल बोल बोल, अच्छा जी, हाँ तो उसके अंदर ये कि अगर वो उसी तरह करे, पेशेंस के साथ बात करे, उसके अलावा अपनी ड्रेसअप सही करे, अपनी बेटी के सामने एक आइडल हो, एक रोल मॉडल लो, तो वो बच्ची अपनी माँ से प्यार करना शुरू करेगी तो फॉलो भी करेगी। तुमने बड़ी अच्छी बात की कि एग्जाम्पल बनाए अपनी बेटी के लिए, चाइल्ड कैन फेल टू लर्न बट अ चाइल्ड विल नेवर फेल टू इमिटेट, अच्छा बच्चा लर्न करने को शायद नहीं कर सके, ना कर सके, फेल हो जाए, याद ना कर सके, सबक की तरह, सबक की तरह, लेकिन आप जिस तरह कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर लास्ट हमने एक पहले शो में ही बात की थी, अगर आपके फादर, आपके अगर किसी के फादर उसके बच्चे के सामने सिग्नल तोड़ रहे हैं तो एक्सपेक्ट ना करें उनका बच्चा बड़ा तो सिग्नल तोड़े, ये ना कहे बेटा ऐसे नहीं करते, बुरी बात, बुरी बात नहीं, आपने तोड़ दिया, अब बच्चा पूछने के उस स्टेट में ही होता, ट्रू ट्रू, उससे सीख रहा है हरकतों से, आपने भी तो, हाँ अब फॉर एग्जाम्पल आप कोक पी रहे हैं और आप चाह रहे आपका बच्चा कोक ना पिए, बिल्कुल इट्स इम्पॉसिबल, सवाल ही नहीं, अगर यही चीज पता है, यही चीज लागू जो होती है ना, ये बड़ों में भी होती है, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं जिनको जिनकी तबियत ठीक नहीं होती, हमारे साथ डिस्कशन में आप दे दीजिए, दे दीजिए कॉलर, ये भी होता है कि हम आप एक जैसे खान पर इस तरह में बार बार आप लोग कहते हैं अपनी अम्मा को बहुत कोट करती है, लेकिन मेरी जिंदगी में उनका बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है, मैं उनको बहुत नोट करती हूँ कि अगर उनके खांसी हो रही है कुछ हो रहा है तो हम लोग में से कोई भी कोल्ड ड्रिंक या कोई भी नहीं पिएगा, जस्ट बिकॉज हम पिएंगे उनका दिल चाहेगा, फिर हम उनको मना नहीं करना, नहीं एग्जैक्टली बिल्कुल वही है, आप खुद खा रहे हैं, आप खुद फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करो भिंडी खाए, इम्पॉसिबल हो नहीं सकता। हमारे साथ कौन है इस वक्त? इशरत लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम इशरत, क्या हाल है जी? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। मैं जो टॉपिक चल रहा है इससे मैं बात करना चाहती, प्लीज प्लीज कीजिए, प्लीज कीजिए। आजकल की जो माएं है ना वो पहले वाली माएं नहीं है, अच्छा ही, जो माँ बाप औलाद के दरमियान, बेटा और बेटी, ठीक है, तो उसके दरमियान में इस तरह का माहौल होना चाहिए कि बच्चे को डांटने की भी जरूरत ना पड़े। हाँ। और आजकल की जो माएं है वो लापरवाही कर देती हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देती, बच्चों को लाभ से बिगाड़ देती है, बेटा या बेटी है उनका खराब हो जाता है और बेटा भी मुसफर हो जाता है, और जरूरत से ज्यादा सुनते हैं, जरूरत से ज्यादा तंग करना, बच्चों को सख्ती करना, ये सारी बातें हैं जो है ना वो बच्चों के लिए ये होती हैं। वैसे ही कह रही है बल्कि, क्योंकि जाहिर है आप भी, मेरा ख्याल है इशरत कहाँ गई, हेलो है ना, मेरी चली गई, कॉल कर गई, जाहिर है वो खुद भी बेटी है, उन्होंने खुद भी ये चीज एक्सपीरियंस की है, बल्कि उन्होंने बेसिकली, माँ ने होता है कि माँ ने बहुत हार्श पीरियड गुजार लिया होता है जिंदगी का, शादी का पीरियड गुजार लिया, शादी के बाद जो प्रॉब्लम होती है गुजार लिया, तो चाहती उनकी बेटी उस प्रॉब्लम से ना गुजारे, उनसे ना, क्योंकि उन्होंने शायद अपनी जिंदगी में गलतियां कर ली और सीख लिया,
बट शी डजंट वॉन्ट हर किड, वो नहीं चाहती कि उनकी बच्ची वो गलतियां करें, तो वो ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है. बट ये चीज हम भूल जाते हैं, आप बॉल को जितना जोर से नीचे फेंकोगे उतनी जोर उतनी ही प्रेशर से आएगी. आप जितना बच्चे को रोकोगे वो उतना ही ज्यादा गलत करेगा. अच्छा अब मुझे बात बताओ कि क्या टीनेज लड़कियों को डांटना सही है? नहीं, सही नहीं, इम्पॉसिबल. ठीक है, हम यही हमने सवाल आवाम से क्या देखते हैं, आवाम ने सवाल से अपना अपने ख्याल का इजहार कैसे किया कि क्या टीन एज लड़कियों को डांटना सही है या नहीं. अच्छा बोलो प्लीज. मैं कहती हूँ डांट भी होनी चाहिए और साथ प्यार से भी समझाना चाहिए, दोनों चीजें साथ होनी. कभी कभी आराम से भी माना जाता है, लेकिन समटाइम्स होता है कि नहीं, आप नहीं मानते पेरेंट्स की बात, तो फिर जाहिर है उनको डेफिनेटली किस सख्त मूड में बात करनी पड़ती है. नहीं, उनकी फ्रेंड्स बन जाना चाहिए, क्योंकि आप अपने फ्रेंड से हर तरह की बात कर लेते हैं. ठीक है, अगर आप डांटेंगे तो वो फिर स्टबर्न हो जाएंगे और फिर आपकी बात नहीं मानेंगे कभी. आजकल का दौर तो नहीं है डांटने का, और बच्चा भी अपनी मर्जी करता है. नहीं है कि जरा उसकी सुपरविजन रखनी चाहिए बच्चे की. अगर बेटी अच्छी ना को कहना मानेंगे तो मां का कौन सा दिल करता है डांटे. डांटना नहीं चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए, ये भी डांटना जरूरी है. हाँ. बट हर बात पे नहीं, हर किसी के सामने नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, हर एक के सामने सामने तो किसी के भी नहीं, सामने तो आप किसी की भी ना डांटे अपनी बेटी को. बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि आपकी बेटी के अंदर एक लड़कियों के अंदर चीज होती है खूबसूरती की. आप बताओ कि शीशे के सामने खड़ी अपने आप से बातें कर रही है, तो डांटना स्पेशली लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है. बिकॉज लड़की उस पीरियड में होती है जब अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा रही होती है, वो उस पीरियड में होती है कि वो एक उस एक गर्लिश तरीके की तरफ जा रही होती है कि ठीक है, आई हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, आई हैव टू, मैं चाहूं तो अपनी दोस्तों से खड़ी हो सकूं, उनके साथ बात कर सकूं, मेरे अंदर वो खुद एतमादी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है. जब आपने किसी के सामने डांट दिया उसको, उसकी तो इज्जत खाना खराब हो गया. तो फिर रूज व्हाट विल डू समझ नजात, ये बड़ी जरूरी सी बात है आज करना, क्योंकि ये एक प्रीफेस था. एक ना शुरू करने से पहले हम इसको इंट्रोडक्शन इसका देना चाह रहे थे कि ट्यूजडे को हम इस हवाले से डिस्कस करेंगे इन डिटेल डिस्कशन के अलावा, कि फिर टीनेज बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, स्पेशली बच्चियों को कैसे डील करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए. दैट करेक्ट. I'll see you on Tuesday and you can't see me. I'll see you on the monitor. Oh yes. Uruj जो है हॉस्पिटल हमें ज्वाइन करेंगी इस टॉपिक को लेकर दुबई से, बिकॉज रूज जा रही है अपने सेशंस के लिए दुबई. तो हम अपने दुबई स्टूडियो से इंशाल्लाह रूज हमारे लाइव होंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑडियंस होगी, वहां पे रूज होंगी, तो इंशाल्लाह इट विल बी फन. बट यस, तरीका जो क्या होना चाहिए इसको हैंडल करने का, इन बच्चियों को हैंडल करने का, कि उनको गुस्सा ना आए, वो अपने आपको अपनी माओ को दुश्मन ना समझे, ये एक बहुत जरूरी बात है. लेकिन इस वक्त के बाद आपकी मुलाकात होनी है मोहम्मद आसिफ से और उनकी बेगम से, जो पहली दफा आ रहे हैं शादी के बाद, तो हम बहुत खुशी के साथ जो है इनका इस्तकबाल करेंगे इंशाल्लाह. आज ढोल छोल हमने नहीं मंगाए, लेकिन हमारी खुशी का जो आलम है वो तकरीबन उतना ही बराबर होगा. आज का सवाल खातिन हजरात, जिंदगी दो दिन की है तो डैश 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 डैश, अब जुमरा मुकम्मल की स्पेस भी जो भेजी 7622 पे इस के बाद लगा.